शहर के मंझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके दबंग पड़ोसियों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से उनकी जमीन पर खड़ी बाउंड्री को जेसीबी से ढहा दिया और परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस की मदद से जेसीबी को तो पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने दबंग पड़ोसियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एसएसपी कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे मंझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार चौकी बस्ती के रहने वाले पीड़ित पवन सैनी ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत करते हुए कहा कि यह मामला जमीन से संबंधित है। हमने अपनी जमीन पर निर्माण कराया जिसमें रहने के लिए हम अपना मकान बना रहे थे, जिसमें हमने बाउंड्री तैयार कर ली थी, चारों तरफ की बाउंड्री हो गई थी, लेंटर डालना रह गया था। जो हमारे पड़ोसी हैं राम भरोसे, उमेश और दीपक, उन लोगों ने हमारी जमीन को अपना बताना शुरू कर दिया और कहने लगे कि यह प्रॉपर्टी हमारी है, दीवार हटाओ यहाँ से। और जब इनसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने दबंग लोगों को पैसे देकर हमें धमकी दिलाई कि यह दीवार हटा लो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस संबंध में भी हमने 21 जून 2022 को एसएसपी के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा था जिसमें कि कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। 24 तारीख की रात को 15-16 लड़के जिसमें उमेश भी था, राम भरोसे भी था और दीपक भी था, तमंचे के साथ आए और हमारे परिवार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई और उसके बाद उन लोगों ने जेसीबी से हमारी बाउंड्री को ढहा दिया। हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस की मदद से जेसीबी को प्रकाश नगर चौराहे के पास से पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में जेसीबी भी कैद हो गई है, जिसकी फुटेज हमने पुलिस प्रशासन को दे दी है। आज हम एसएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा निर्माण दोबारा कराया जाए और हमें जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। पवन जी, ये बताइएगा क्या मामला था, पूरा क्या है, पूरा प्रकरण? ये मामला जमीन से संबंधित है, जिसमें कि हमने अपनी जमीन पर निर्माण कराया, जिसमें हम बना रहे थे रहने के लिए मकान, उसमें हमने बाउंड्री तैयार कर ली थी, चार तरफा बाउंड्री तैयार हो गई थी, लेंटर बाकी बचा था। और जो हमारे पड़ोसी हैं राम भरोसे, उमेश और दीपक, इन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चालू करा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारी निकल रही है, ये दीवार हटाओ यहाँ से। और वो हमारी दीवार नीचे वाली कम से 8 फीट दीवार हमारी 10 साल पुरानी थी, जिसमें कि हमने उसके ऊपर बाद में नया निर्माण चालू करा था। और जो इन्होंने हमने जिनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने दबंग लोंडों को पैसे देकर हमें धमकी दिलाई कि हम ये दीवार गिरा लो, हटा दो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो मैंने इस आधार पर भी मैंने एसएसपी को एक पत्र लिखा था 21/6/2022 को, जिसमें कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज 24 तारीख की रात को मैं 15-16 लड़के, जिसमें कि उमेश भी था, भरोसे भी था, दीपक भी था, तमंचों के साथ आए और आकर जिसमें कि राहुल, हिमांशु, नीरज और मेरी मम्मी मुन्नी देवी सो रहे थे वहाँ पर। आने के बाद इन्होंने तमंचों के बल पर तो और जेसीबी लेकर आए थे ये, तमंचों के बल पर फायरिंग वायरिंग करी। तमंचों के बल ये आए, मारपीट चालू करी, तो फिर इन्होंने फायरिंग चालू करी। इनसे बचने के लिए अपने हम कमरा बना हुआ है उसके अंदर घुस गए, किवाड़ लगा ली इन लोगों ने, मेरे भाइयों ने। तो तब इन लोगों से बचे, लेकिन इन्होंने जो जेसीबी लेकर आए, जेसीबी से इन्होंने हमारे निर्माण की दीवार वो गिरा दी। अच्छा, जेसीबी क्या मौके से पकड़ ली गई? हाँ, जेसीबी मौके पे पकड़ ली गई है। जेसीबी वहाँ से भाग चुकी थी, हम डर गए थे काफ़ी, तो भागते भागते हमने प्रकाश नगर चौराहे पे पुलिस की मदद से वो जेसीबी पकड़ी। हमने 112 नंबर पर फ़ोन भी किया था। किसने शिकायत की आपने? जी, अब एसएसपी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारा निर्माण जो है ये बनवाया जाए दोबारा और हमें सुरक्षा दी जाए, जान माल की सुरक्षा जी जाए हमें। और हमें बहुत डर है इन लोगों से, ये बहुत भूमाफिया लोग हैं।